शुरुआत जो है वो कुछ नीलता चल रही होती है क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति होने आज Hello, commanders. Welcome to Biometrix classes online. I am Dr. Gitan Singh. हम पढ़ रहे हैं बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम जिस चैप्टर में है वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब हम पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम में अभी तक हम काफी कुछ देख चुके हैं हमने ब्रेन को देखा हमने स्पाइनल कॉर्ड को देखा हमने रिफ्लेक्स एक्शन को देखा हमने हमने समझा कि कैसे हमारा मेडुला ऑबलटा काम करता है पोन्स में क्या थ्रू क्या काम होता है हमने देखा हिंड ब्रेन क्या होता है मिड ब्रेन क्या होता है फोर ब्रेन क्या होता है ठीक है हमने जो है वो नर्व्स के बारे में स्पाइन नर्व्स के बारे में बात किया ठीक है तो कई सारे फंडामेंटल्स हमने समझे नर्वस सिस्टम के बारे में फिर मैं हर लेक्चर में मुझे कहना पड़ता है कि बेटा नर्वस सिस्टम में जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है वो आपको 100 परसेंट कवर करना है उसके अलावा जो आपको पढ़ना चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है वो सब कुछ मैं कवर करता हुआ चल रहा हूं इन लेक्चर तो पॉइंट्स में हम बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीआरटी भी पढ़ रहे हैं एनसीआरटी को पूरा इंक्लूड कर रहे हैं हम और इसके अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रोक लेक्चर पॉइंट के लिए हम परफॉर्मेंस इनहांसमेंट सीट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा बस इसके के अलावा कुछ नहीं करना आपको ये पढ़िए और एमसीक्यू लगाइए अब कई बच्चों का बोलना है सर हमें तो और पढ़ना नर्वस में तो दादा उसके लिए मेडिकल इंटरेस्ट निकाल लो फिर तुमको जितना पढ़ना उतना पढ़ना एमबीबीएस में ठीक है तो अभी एमबीबीएस तक पहुंचने के लिए लिमिट करो ये ये पूरा बायोलॉजी नर्वस सिस्टम नहीं है इसका एक हिस्सा है के? तो उसमें इतना डिटेल मत जाइए कि आप लौट के ना आ सके मतलब अभी हमको जो है सब बहुत सारा पढ़ना है फिजिक्स भी केमिस्ट्री भी बायोलॉजी में मेरा चैप्टर इसलिए जो एनसीआरटी में दे रखा है वो हंड्रेड पढ़ना है जो मैं बता रहा हूं वो पढ़ना है जो परफॉर्म परफॉर्मेंस शीट में दिया गया है वो भी पढ़ना है और क्वेश्चन लगाने इसके अलावा क्या पढ़ना ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना इसका ठीक है कई बार मैं चिढ़ जाता हूं तुम लोगों से ना बार बार एक ही क्वेश्चन करते तो चलो ठीक है हाँ कि आपका पूछ सकते हो आप मेरा आंसर है कि मैं कितना सब्र के साथ है ना भले ही झूठा मूठा मुस्कुराऊ पर आपको आंसर तो करूं कम से कम चलिए तो पिछली क्लास में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात किया था हमने ब्रेन को देखा हमने स्पाइनल हमने के हमने देखा सर जो है वो स्पाइनल नर्व्स क्या होती है हमने इक्विना को देखा कॉडा इक्विना क्या चीज होती है चलो बताओ ठीक है मेरा क्वेश्चन नहीं है ये आपका क्वेश्चन है आपको बताना कि कौडा इक्विना क्या होता है ठीक है फिर आप बताएंगे मुझे रिफ्लेक्स आर्क के बारे में रिफ्लेक्स आर्क के कंपोनेंट क्या होते हैं रिफ्लेक्स आर्क के कंपोनेंट क्या होते हैं रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या शामिल होना चाहिए यह आप मुझे बताएंगे ठीक है ना बेटा ठीक है और तो हमने जो है ग्रे मैटर व्हाइट मैटर को देखा हमने हमने नर्व कंडक्शन को भी अच्छे से पढ़ा हुआ है बेटा ठीक है ना क्लियर तो रिफ्लेक्स आर्क को देखा हमने यहां पर ठीक तो ये हम देख रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन का एनिमेशन के तो हमने ये पिछली क्लास में रिफ्लेक्स एक्शन देखा था है, ये क्या है नी जर्क रिफ्लेक्स को ये शो कर रहा है क्लियर चलिए ठीक है फिर हमने ये एनसीईआरटी का इमेज देखा था बेटा है ना और ये इंपॉर्टेंट इमेज है ये एम्स में आया हुआ है दो बार एम्स में आया हुआ है, इमेज बेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए आज क्या पढ़ने वाले हैं आज हम बात करेंगे सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग पे बात करेंगे हम बात करेंगे कि हमारे नर्वस सिस्टम की खिड़कियां क्या है विंडोज क्या है जिससे वो देखता है बाहर आपको बता दूं मैं आपका जो ब्रेन है ना वो तो केवल सीपी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट के समान है यानी उसको इंफॉर्मेशन जाती है उस इंफॉर्मेशन के आधार पे वो डिसाइड करता है क्या करना है ठीक है लेकिन उसको इंफॉर्मेशन भेजने का काम दूसरे का होता है ठीक है वो बॉस है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के समान है अब होता यह है बेटा कि जैसे इन बाहर जिसे हम हम देख रहे हैं देख रहे हैं मतलब हम लाइट को रिसीव कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू दी सेंसरी नर्व ब्रेन तक पहुंच रहा है और ब्रेन परसीव कर रहा है कि क्या देख रहे हो यानी एवरीथिंग इज जो कुछ भी आप देख देख रहे हैं सुन रहे हैं वो सब कुछ जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे हो रहा है ठीक है महसूस कर रहे हैं वो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हो रहा है मतलब ये हुआ देखा हमने हाँ आंखों के जरिए देखा हमने हाँ देखने पे जो लाइट थी उस लाइट को जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया कैसे किया हम आगे बात करेंगे और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन तक पहुंचे ब्रेन ने जो है वो देखा परसेप्शन दिया लिखा उसने क्या देख रहा है उसको इंटरप्रिटेशन किया ब्रेन ने ठीक है सुन रहे हैं आप तो कान के अंदर जो कंपन मेरे साउंड वेब से कान के अंदर जो कंपन हो रहा है उस कंपन को उस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन तक पहुंचा ठीक क्या, क्या है था, ये भी आपके जो feel, जो feel था, वो भी आपके ब्रेन तक पहुंचा आपने देखा कि आप पढ़ रहे थे बड़ा मन लगा के सडनली आपके कमरे में कोई चोरी चोरी चुपके चुपके कमरे के अंदर इंटर किया ठीक है और उसने स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा रखा है अब ये मत बोलना कौन एंटर किया ठीक है स्ट्रांग परफ्यूम लगा रखा है और आपको परफ्यूम की खुशबू एकदम से आपने पलट कर देखा कि कौन है जो बगैर बताए मेरी जिंदगी में चला आया ठीक है आपने पलट कर देखा और आपको सुगंध का और क्यों देखा आपने को कि आपको एक एक स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस आया आपको ठीक उसको फील किया आपने आपने कुछ खाया खाने में स्वाद जाया उसको फील किया आपने तो ये सारे सिग्नल चाहे वो आप सूंघ रहे हैं चाहे आप फील टच कर रहे हैं चाहे आप देख रहे हैं चाहे आप सुन रहे हैं चाहे कुछ खा रहे हैं एवरीथिंग इज फाइनली कन्वर्टेड इन टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल गोज टू दी ब्रेन है ना वहां परसीव करता हो तो मतलब खिड़कियों की बात कर रहे हैं हम विंडोज की बात कर रहे हैं हम ठीक है तो मैंने क्या कहा आपसे आप, आप देखिए आपकी आई साइट देखने के लिए हियरिंग के लिए आपके ईयर हैं नो, नोज आपकी स्मेल के लिए है आपकी जो टंग है टेस्ट बर्ड है वो टेस्ट के लिए है और हाथ आपकी जो है वो स्किन आपकी फील कर सकती है ठीक है मतलब सेंस ऑर्गन देखिए आपके सेंस ऑर्गन लाइट को आईज ने फील किया इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे कान के अंदर उसको कुछ कण है और वो कण जो है वो बैलेंस बनाए हुए हैं जैसे ही वो कण का बैलेंस ज्यादा होता है तो आप भी हिलने लगते हैं सोचिए छोटा सा पार्टिकल हम पढ़ेंगे ईयर तो आपको आएगा छोटे छोटे पार्टिकल आपकी बॉडी के बैलेंस को बनाए हुए हैं ठीक है तो फिर आपकी नोज है वो स्मेल के लिए है टंग टेस्ट के लिए है, और स्किन जो है टच को प्रेशर को टेम्परेचर को स्किन जो है वो सेंस कर सकती है। तो ये हो गया हमारे सेंस ऑर्गन हो गए के, हम बोलते हैं ना कि अपनी पांचों इंद्रियों को वश में रखिए अपनी पांचों इंद्रियों को वश में रखिए तो वो इंद्रिया क्या होती है वो इंद्रिया होते हैं सेंस ऑर्गन के चलिए मतलब है ना आप देख रहे हैं साइट स्मेल टच हियरिंग टेस्ट के ये सब चीजें हम फील कर पाते हैं ये हमको फील करने वाली होती है ठीक के? तो मैंने आपसे कहा देखिए आप, आप एनिमेशन में दिखाई पड़ रहा है चाहे कुछ भी हो कुछ भी हो फाइनली आप देख रहे हैं सारे सेंस ऑर्गन जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स भेजते हैं ब्रेन को और ब्रेन उसके अकॉर्डिंग फिर रिएक्ट करता है कि करना क्या चाहिए अच्छी खुशबू आ रही है खाने में से तो खाना खाना चाहिए ठीक है दुर्गंध आ रही है दूर रहना चाहिए इस फूड से So brain -brain तो एवरीथिंग इज़ जो फाइनली बाय डिसाइड करता है एवरी दिस सेंसरी ऑर्गन डिटेक्ट ऑल टाइप ऑफ चेंजेस इन दायरमेंट के इनवायरमेंट में जो भी परिवर्तन होते हैं उसको सेंसरी ऑर्गन डिटेक्ट करते हैं पह, पहचानते हैं उसको एंड सेंड एप्रोप्रिएट सिग्नल टू देंट्रल स्टम के और वे उचित सिग्नल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजते हैं वेर ऑल इनपुट्स आर प्रोसेस जहां पर कि जो भी सूचनाएं आ रही हैं अंदर उनको प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद एनालाइज करके फिर डिसीजन लिया जाता है करना क्या है ठीक है सिग्नल्स आर देन सेंड टू डिफरेंट पार्ट एंड सेंटर ऑफ द ब्रेन और उसके बाद सिग्नल्स को सिग्नल मान लीजिए कि हम बोलते हैं आपसे कि आपको आपको लाइट आपको लाइट से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट आपको ऑप्टिक नर्व के थ्रू थ्रू ऑप्टिक नर्व इंपल्स आ रही है तो उसको फिर उस सेंटर भेजते हैं विजन सेंटर जहां पर क्या दिख रहा है ब्रेन उसको प्रोसेस करता है यदि हियरिंग ऑडिटरी नर्व से ऑडिटरी नर्व से इंफॉर्मेशन आ रही है तो ब्रेन उसको जो है वो सुनने वाले सेंटर में जहां पर हम सुन सकते हैं समझ सकते हैं उसको जो है ब्रेन इंफॉर्मेशन भेजता है ठीक है बात यह है कि हम इन चीजों के ना तो पहले बात करते हैं हम आइस की के जो जहां जो हमारी आइस होती है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन द्यूमन बॉडी जिनसे हम देख पाते हैं ठीक है देखिए अब ह्यूमन आइस की बात करें अब तो अवर पेड आइस आर आर लोकेटेड इन सॉकेट ऑफ दी स्कल कार्न ऑर्बिट के वन पेड आई वन हमारी जो है हमारी जो युग्मित आंखें हैं ज्यादा दो हमारे पेड़ ज्यादा दो होती हैं है आईज okay, वो जो है वो स्कल के जिस स्थान में होती है हम क्या बोलते हैं हम आई ऑर्बिट कहते हैं दिस इज दी आई और दिस इज दी आई ऑर्बिट ये आई का ऑर्बिट होता है दिस इज दी आई ऑर्बिट इसके अंदर आई होगा ठीक है ये है आई ऑर्बिट है ना ठीक है

अलग हमारी आंखें मूव कर सकती है आप देखिए मुझे मैं अपनी आंखें मूव कर रहा हूं, ये कर हूं? मैं इसको, इसको करने के लिए दीज आर दी मसल मसल्स जो हमको दिखाई पड़ रही है क्या है बेटा ये है ऑक्युलर मसल ये क्या है ये है ऑक्युलर मसल्स ठीक है ना बेटा है ना ये हम देख रहे हैं ये ऑक्युलर मसल दिखाई पड़ती है हमको क्लियर अब ये ऑक्ुलर मसल क्या होती है देखिए आप ध्यान से देख रहे हैं, हैं, हैं पे कि सुपीरियर ऑब्लिक मसल क्या आप देख रहे हैं इसमें कि हमने कहा सुपीरियर सुपीरियर रेक्टस मसल देख रहे हैं मीडियल रेक्टस मसल देख रहे हैं मसल देख रहे हैं यहां पे इन्फीरियर ऑब्लिक मसल देख रहे हैं और इन्फीरियर रेक्टस मसल देख रहे हैं तो आई के डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट है जो एरो है वो मूवमेंट को बता रहा है कि ऊपर नीचे कैसे मूवमेंट कर सकते हैं हम तो पर जो है वो uh, किस मसल की हेल्प तो मसल क्या हो गए सुपीरियर रेक्टस हुआ मीडियल रेक्टस हुआ लेटरल रेक्टस

ठीक है अब एक अकेले आई के स्ट्रचर को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आई के अंदर आंख के अंदर जो है आपकी आई जो आई बॉल है ये किसकी बात कर रहा हूं मैं ये बात कर रहा हूं मैं आई बॉल की बात कर रहा हूं मैं टे जो आई बॉल है आपका उस आई बॉल में आपको जो है वो तीन लेयर दिखाई पड़ती है आपका आउटर लेयर इनर लेयर और जो है वो मिडिल लेयर के आउटर लेयर को हम बोलते हैं स्केलरा आउटर लेयर को हम स्केलरा बोलते हैं स्केलरा का जो इंटीरियर पार्ट होता है ध्यान से मेरी बात सुनना आई बॉल की आउटर लेयर को हम स्केलरा बोलते हैं और स्केलरा का जो इंटीरियर पार्ट होता है जो बाहर के वातावरण में एक्सपोज होता है उसे हम क्या बोलते हैं हम कॉर्निया बोलते हैं ये दिस इज दॉर्निया दिस इज द स्केलरा आउटर लेयर के तो मतलब कॉर्निया इस देखिए ध्यान से स्केलरा जो है वही जब इंटर एंड पे आता है तो कन्वर्टेड इनटू दी कॉर्निया ठीक है फिर क्या देख रहे हैं आप

चलो एक एक करके देखते हैं हम तो कंफ्यूज नहीं होता है हम एक एक करके पढ़ते हैं इसको द एडल्ट ह्यूमन आई बॉल इज नियरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर कोई डाउट नहीं आंखें गोल होती है ठीक है दॉल ऑफ द आई बॉल

फिर मिडिल लेयर होती है कोराइड मिडिल लेयर बोलते हैं कोराइड होती है और कोराइड में कई सारे ब्लड वेसल होते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है ब्लड वेसल होते हैं इट लुक्स ब्लूइश इन कलर के ये नीले से रंग की दिखाई पड़ती है मिडिल लेयर जो है वो कोराइड होती है इसमें कई सारी ब्लड वेसल्स होती है ये ब्लूइश रंग की हमको दिखाई पड़ती है ठीक है ई बॉल के पिछले टू थर्ड भाग में कोराइड लेती है परंतु जब इंटर एंड पर हम आते हैं तो वहां पर थिक होकर वो ए एक अगला भाग बनाती है इसको हम सीले बॉडी कहते हैं बट इट बिकम थिक इन दर पार्ट

कन्वर्जन दिखा रहा हूं ठीक है फिर जो है कोराइट थिन लेयर है और आगे जाके कंडेंस होकर क्या बन गया ये यह ये बन गया सिलरी बॉडी बन गया दिस इज दीलरी बॉडी ठीक है देखिए अब आप ध्यान से देखिएगा बेटा जो एनसीईआरटी का इमेज है फिगर 21.6 फिगर 21.6 इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर हम इसमें जो है वो आई के डिफरेंट पार्ट देख रहे हैं तो मैंने आपसे क्या कहा बेटा देखिए आउटर लेयर स्केलरा ठीक है आउटर लेंस अब एक काम करते हैं हम इसको जो है मैं मैं काम करता हूँ मैं वही हमारा पुराना वाला ट्रिक अपनाते हैं हम लोग है ना लेवलिंग करते पढ़ते पढ़ते हम नंबर डालते स्केल रहा ठीक है स्केल का सामने वाला हिस्सा जो इंटरेस्ट तरफ था वो क्या हो गया वो है कॉर्निया ये है कॉर्निया ठीक है नंबर वन क्या है बेटा नंबर वन है ये स्केल नंबर दो क्या है कॉर्निया ठीक है फिर हम करते हैं फिर नंबर थ्री पे आते हैं कोराइड सेकेंड लेयर जो है वो क्या है वो है सेकंड लेयर क्या बेटा वो है कोराइड हमने कहा ये कोराइड हो गया थर्ड लेयर है थर्ड लेयर हो गया ये कोराइड ठीक है और कोराइड का हिस्सा आगे जाके कोराइड का हिस्सा आगे जाके कंडेंस हो गया और क्या बनाया उसने उसने बनाया सीलियरी बॉडी ठीक है नंबर फोर इज दी सीलियरी बॉडी दिस इज दीलियरी बॉडी ठीक है मैं यहां लिख लू बेटा सीलियरी बॉडी है ना ठीक है फिर आते हैं नंबर फाइव रेटिना कहा गया रेटिना दिस इज द रेटिना नंबर फाइव हमने कहा ये है रेटिना ठीक है क्लियर अब मैंने क्या बोला आपसे लेंस दिखाई पड़ रहा है आपको यहां पे लेंस के सामने वाला चैम्बर लेंस के सामने वाला चैम्बर क्या है लेंस के सामने वाला चैम्बर है एक्वस चैम्बर और पीछे वाला है ये विट्रस चैम्बर ठीक है ना क्लियर है ना चलिए अभी हमने यही लेवल है अभी हम केवल लेयर पढ़ रहे लेयर की बात करेंगे हमके। तो वन टू थ्री फोर फाइव का हमने लेवलिंग देखा यहां पर क्लियर ठीक है देखिए आप ध्यान से आपको दिखाई पड़ रहा है रेटिना कोराइट के है बॉडी देख रहे हैं आप सिलरी बॉडी दिखाई पड़ रहा है आपको देखिए थिक हो गया कॉराइट आगे थिक हो गया सिलेरी बॉडी बनाया ठीक है फिर हम क्या देख रहे हैं एक पूरा का पूरा का मस्कुलर सर्कुलर लेयर बना पूरा इसको हमने आयरिस बोला आयरस के ठीक पीछे लेंस है और लेंस लेंस के आगे तरफ एक जो है वो क्या है एक्वस ह्यूमर है और पीछे तरफ क्या है वो विट्रस बॉडी है विट्रस ह्यूमर है ठीक है फिर क्या देख रहे हैं जो रेटिना है रेटिना में हमने कहा कि ऑप्टिक डस्क जो ऑप्टिक नर्व है वो रेटिना में एक जगह पे जुड़ा हुआ है वहां से बाहर निकल रहा है तो ये जो होता है बेसिकली दिस इज द ऑप्टिक

तो आप बात करते हैं आयरिस के देखो मैंने आपसे कहा ना कि ये जो मसल ये 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 दिखाई नहीं, ये ये जो दिखाई पड़ पड़ रहा रहा ना जो है आपका आंखों में मैं जो पीपिलर चाहता हूं उनको जो मस्कुलर दिखाई पड़ता है कि डायलेट हो हो गया है, प्यूपिल पिन हो गया है है पिन पॉइंट तो वो क्या होता है एक्चुअली ये आयरिस का ही डा, डायमीटर कम ज्यादा होता है उससे पिपिल का साइज बढ़ता घटता है ठीक है जो आंखी प्रति हम ये देख रहे हैं आयरिस और जो है सिलरी बॉडी उसके पास हम देख रहे हैं आयरिस ठीक है देखिए ध्यान से आप दिस सिलरी बॉडी Itself continues forward to form a pigmented opaque structure.

जो हमारी आंख की पुतली होती है उसका डायमीटर जो है वो आयरिस के मसल फाइबर के थ्रू रेगुलेट होता है ठीक है द इनर लेयर ऑफ रेटिना द इनर लेयर इज द रेटिना इनर लेयर जो है वो रेटिना होती है इट कंटेंस थ्री लेयर ऑफ न्यूरोल सेल वेरी वेरी आई ध्यान से बात सुना आपकी आई बॉल की सबसे अंदर वाली लेर रेटिना होती है जिसमें कि तीन लेयर होती है न्यूरल सेल की फ्रॉम इन साइड टू आउटसाइड अंदर से बाहर की ओर देखेंगे तो सबसे अंदर होती है गैंगलियन सेल्स जो सीधा न्यूरॉन से जुड़ी होती है दूसरी होती है इनके बाहर बाइपोलर सेल होती है और फिर होती है फोटो रिसेप्टर सेल्स के तो सबसे बाहर जो लाइट को फेस करेगी वो फोटो रिसेप्टर सेल होगी और फोटो रिसेप्टर सेल्स के बाद में जुड़ी होगी बाइपोलर सेल और सबसे अंदर होगी वो गैंगलियन सेल भूलना नहीं है ठीक देखते हैं हम देखो देखो क्या देख रहे हैं हम हमने देखा ये रेटिना दिखाई पड़ रहा है यहां पे है ना बेटा अब समझ लो जो लिगामेंट जो लिगामेंट जो है आई के लेंस को पकड़ते हैं सिलियरी बॉडी से जुड़े हुए लिगामेंट जो आई के लेंस को पकड़ते हैं उन्हें हम सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं ठीक है ना बेटा देखो आई के लेंस को पकड़े हुए हैं और ये सिलियरी बॉडी से जुड़े होते हैं ठीक है प्यूपिल क्या होता है प्यूपल इज दी ओपनिंग जो आयरिस के ठीक बीचों बीच होती है और आयरिस प्यूपिल के डायमीटर को कंट्रोल करता है ठीक है फिर हमने क्या देखा हमें ये ऑप्टिक नर्व दिखाई पड़ रही बेटा और हम है रेटिना। रेटिना देख रहे हैं कि ये हमें कोराइड दिखाई पड़ रहा है वाले इस नर्व से जुड़े होते हैं ठीक है फिर क्या देख रहे हैं बेटा हमें एक हिस्सा दिखाई पड़ा मैकूला मैकुला वो हिस्सा होता है जहां पर हाईलाइट इंटेंसिटी हाई को फील कर सकता है देखिए आप देख रहे हैं आपको जो है क्या दिखाई पड़ रहा है आयरिस के तो हम इसको लेवल करें यदि हम यहाँ पर इसको लेवल करें तो हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे दिस इज दी आयर ये क्या है ये हो गया है आयरिस हो गया है प्यूपिल है ना बेटा आयरिस और प्यूपिल को हम यहां पर देख रहे हैं क्लियर ठीक है फिर देखिए आप ना ये हम देख रहे हैं कि प्यूपिल ये क्या हो गया बेटा ये हो गया आग की पुतली प्यूपिल हो गया ये और ये हो गया आपका आयरिस है ना ठीक है एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए ठीक है देखो ध्यान से मैंने क्या बोला रेटिना में जो है आपको तीन नर्व लेयर देखने मिलती है मैंने आपसे कहा कि सबसे मैंने कहा सबसे अंदर सबसे अंदर क्या होगा बेटा गैंगलियन सेल होगा देन हम क्या बोलते हैं बेटा कि जो है वो आ, आपका बाइपोलर सेल होगा देन हम देख रहे हैं क्या होगा बेटा फोटो रिसेप्टर सेल होगा यहां पे ठीक है देख रहे हैं यहां तो देखिए आप है ना अब आप बोलेंगे सर आपने कहा था तो मैंने मैं आपको, मैं आपको क्लियर कर के जो गैंग्लियन सेल होते हैं ये सीधा सीधा ये जुड़े होते हैं आपके ऑप्टिक नव ये ऑप्टिक नर्व जा रहा है इस से ये जुड़े होते हैं के, तो हमने क्या बोला आपसे हम देखें हम तो आउटसाइड क्या होगा बाहर तरफ का हिस्सा होगा आउटसाइड से हम तो क्या होगा बेटा हम देखें फोटो रिसेप्टर सेल दिखाई पड़ रही है हमें बाइपुलर सेल दिखाई पड़ रही है एंड देन क्या दिखाई पड़ रही है गोड़ से देखिए आप ठीक है तो एक्चुअली ये ऐसे कंफ्यूज मत होना बेटा मैंने आपसे आउटसाइड मतलब एक सर्कल है सर्कल में आउटसाइड क्या होगा सबसे बाहर वाली सर्फेस के इनसाइड अंदर वाली सर्फेस होगी यहां आपसे तो क्या क्या आप रेटिनल पिगमेंट ये क्या बेटा पिगमेंट में इसमें ये फोटो रिसेप्टर से दो तरह की होती है रॉड्स एंड कॉन्स क्या होते हैं रॉड्स एंड कॉन्स और इनसे जुड़ी होती है बाइपोलर सेल बाइपोलर न्यूरॉन बाइपोलर न्यूरॉन कहां पर होते हैं बाइपोलर न्यूरॉन आपकी की रेटिना में होते हैं याद है पढ़ा है के बाइपोलर सेल से और बाइपोलर सेल्स के बाद में क्या देख रहे हैं हम गैंगलियन सेल देख रहे हैं आपके क्लियर हमें गैंगलियॉन सेल दिखाई पड़ रही है ठीक है फिर नॉरिशमेंट के लिए कुछ एमेक्राइन सेल्स भी हमारे यहाँ पे बीच में देखने मिलती है जिनको हम यहाँ पे चूंकि वो आ, विजन की इसके, के, विजन के लिए इन्वॉल्व नहीं है इसलिए हम हॉर्जेंटल सेल्स और एमेक्राइन सेल्स के बारे में भी बात नहीं करेंगे हम ठीक है तो अभी हमने क्या देखा जो लाइट आता है तो फाइनली क्या होता है ये लाइट जो है वो कहां पहुंचता है रेटिना की पिगमेंट इपिथिल तक पहुंचता है वहां पर रॉड्स एंड कॉन्स को सेंस करते हैं और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आगे की ओर बढ़ता है ठीक है देखिए आर टू टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स दो प्रकार की फोटो रिसेप्टर सेल्स हमको देखने मिलती है रॉड्स एंड कॉन्स ठीक है दी सेल्स कंटेंट लाइट सेंसिटिव प्रोटीन कार दिगमेंट अम पी ये जो बता रहा हूं यह इस बार एग्जाम में बेटा आएगा आईएमपी है तो मतलब आईएमपी है ये सेल्स होती है इनमें लाइट सेंसिटिव प्रोटीन होता है बेटा जिसे फोटो पिगमेंट कहते हैं दे लाइट दिन के समय जो फोटोपिक विज़न होता है, दिन के समय हम जो देखते हैं, उस दृष्टि को उस विजन को हम फोटोपिक विजन कहते हैं और इसमें कौन से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फंक्शन ऑफ कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये होता है कलर विजन ये होता है कलर विजन ठीक है और रात के समय हम जो देखते हैं वो फंक्शन होता है रॉड्स के रात को रॉड्स ठीक है आर फॉर जो है वो आर फॉर जो है वो आर फॉर रात बोल सकते हैं इसको हम के और मैंने कहा आर फॉर रॉड्स के तो क्या बोला मैंने आपसे कि जो रात के समय का विजन है उसमें रॉड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ठीक है इससे हम बोलते हैं स्कोटोपिक विजन बोलते हैं या टू व्हीइट विजन बोलते हैं द रॉड कंटेंट ए पर्पलिश रेड प्रोटीन काल रोडोप्सिन और विजुअल पर्पल रॉड के अंदर जो है वो एक पर्पल पिगमेंट होता है बेटा पर्पल रेड पिगमेंट होता है उसको तो हम रोडोप्सिन या विजुअल पर्पल बोलते हैं विच कंटेन ए डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। इसलिए जब विटामिन ए की कमी होती है तो उसमें हमको नाइट ब्लाइंडनेस देखने मिलता है विटामिन ए की कमी से क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है क्योंकि कारण यह है कि रात में देखना है तो आपको रोडोप्सिन की रिक्वायरमेंट होगी और रोडोप्सिन जो है उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है विटामिन ए और यदि विटामिन ए की कमी होगी तो आपकी बॉडी में आईज में रोडोप्सिन भी कम होगा और इसीलिए जो है रात के समय देखने में दिक्कत होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस हमको विटामिन ए की कमी में देखने मिलता है ठीक है इन ह्यूमन आई देर आर थ्री टाइप ऑफ कॉन्स ह्यूमन आई में तीन तरह के कौन होते हैं जो ऑन परेक्टिस्टिक फोटो पिगमेंट जिनमें जिनमें अपने अपने फोटो पिगमेंट होते हैं और ये तीन जो तीन तरह के जो आपके uh, कॉन्स होते हैं वो तीन बेसिक कलर को रिप्रेजेंट करते हैं एक कौन होते हैं रेड पिगमेंट वाले होते हैं दूसरे ग्रीन वाले होते हैं तीसरे ब्लू वाले होते हैं, हैं। मतलब रेड ग्रीन और ब्लू जो है सबसे बेसिक और फंडामेंटल कलर होते हैं रेड जो है रेड ब्लू और ग्रीन जो है सबसे बेसिक फंडामेंटल कलर होते हैं ठीक है देख रहे हैं आप इमेज में रॉट्स एंड कॉन्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं देखिए ध्यान से बेसिकली एक प्रकार से ये मॉडिफाइड न्यूरॉन्स टाइप के, के आप हैं आप देख रहे हैं रॉड में भी देख रहे हैं और कौन में भी देख रहे हैं आपको सिनेप्टिक एंडिंग दिखाई पड़ रही है आपको सिनेप्टिक एंडिंग दिखाई पड़ रही है देन आप एक्सॉन देख रहे हो देन न्यूक्लियस देख रहे हैं यहाँ पे आपके इनर सेगमेंट देख रहे हैं इसमें माइट्रोक्रा भरे हुए हैं इसमें फिर आप आउटर सेगमेंट देख रहे हैं आउटर सेगमेंट दोनों का अलग अलग दिखाई पड़ रहा है कौन का आउटर सेगमेंट डिफरेंट जो है कॉनिकल फॉर्म इसलिए कौन बोला उसको हमने के कौन का कॉनिकल फॉर्म इसलिए कौन बोल दिया उसको हमने और उसमें हमको जो है वो और कई सारे जो है वो डिस्क हमको यहाँ पे दिखाई दिस्क समान स्ट्रक्चर हमको दिखाई पड़ रहा है तो बेसिकली एक प्रकार से मॉडिफाइड न्यूरॉन से ही बने होते हैं रॉड्स एंड कॉन्स जो है ठीक है देखिए एंड ये आप देख रहे हैं रॉड्स जो होते हैं वे कलर विजन में इन्वॉल्व नहीं कलर विजन में इन्वॉल्व क्या होते हैं कॉन्स होते हैं और कॉन भी में भी जो तीन तरह के कोन होते हैं बेटा रेड पिगमेंट वाले ग्रीन पिगमेंट वाले और ब्लू पिगमेंट वाले ठीक है ये हम आई के अंदर जो है रॉड्स एंड कॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है यहां पे हम देखिए है ना क्ल तो रॉड्स कैसे होता है कॉन्स कैसे होते हैं ये हमें पता होना चाहिए है ना द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स आर प्रोड्यूस बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस दिस कॉन्स एंड देयर फोटो पिगमेंट के तो हम जो अलग अलग कलर को समझ पाते हैं उनका हम अंदाजा लगा पाते हैं ये बेसिकली यह डिपेंड करता है आपके कौन के अपने अरेंजमेंट पे कौन के फोटो पिगमेंट पे और उनके वो किस प्रकार से इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है इसीलिए हो सकता है जिस कलर को आप बोल रहे हो लाइट पर्पल बोल रहे हो वो कलर मुझे हल्का येलो दिख रहा हो तीसरे व्यक्ति को हल्का वो पिंक दिख रहा हो तो कई बार आप देखना कलर्स को लेकर हम बोलते हैं अरे वो देखो लाइट पिंक वाली शर्ट तो सडनली जो है वो जो है मम्मी बोलेगी वो लाइट पिंक है लाइट येलो है आ ठीक है जो है है आ, आप आप अंदाजा नहीं लगा पाए कलर कैसे गलत बोला उसने एक्चुअली कई लोगों को कलर जो आप देखते हैं वो सबको एक एक्जस्ट दिखाई देते थोड़ा मामूली वेरिएशन कलर में हमको हम सबको हम सबको देखने मिलता है ठीक है

And the retinal blood vessel enter it it, uh, it at a point medial to to वैसल uh, medial to and slightly above the posterior एंड स्लाइडली पोस्टर के आई बॉल के पिछले हिस्से में आई बॉल के पिछले हिस्से में ठीक बीच में आप देखेंगे तो ऑप्टिक नर्व ऑफ और रेटिनल ब्लड वैसल आपको जुड़ती हुई दिखाई पड़ेंगी बेटा और इस जगह पर फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं पाई जाती हैं इसलिए इस जगह पर कोई इमेज नहीं बनती है इस जगह पर कोई भी लाइट की इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं किया जाता है इसलिए इसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं वट इज द मीनिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट ब्लाइंड स्पॉट हमारी आंख के अंदर रेटिना में वो जगह है जहां पर फोटो रिसेप्टर सेल हमको देखने नहीं मिलती हैं नहीं पाई जाती हैं और यहां पर चुकी क्या होता है ऑप्टिक नर्व जुड़ी होती है और रेटिनल आर्टरी यहां पर सप्लाई कर रेटिनल ब्लड वहां पर सप्लाई कर रहे होते हैं एट द पोस्टर एंड ऑफ द आई लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट ब्लाइंड स्पॉट से लेटरल दोनों तरफ दाएं और बाएं लेटरली हम बात करें तो हम देखेंगे वहां पर हमको येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट दिखाई पड़ता है इसको हम मैकुला लूटिया बोलते हैं और इसके ठीक बीचों बीच वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं फोबिया बोलते हैं ये वो जगह होती है जहां पर जो है मोस्ट ऑफ द लाइट को रिसीव किया जाता है थके? तो हम क्या देखते हैं एट द पोस्टर पोल ऑफ द आई लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट ब्लाइंड स्पॉट के लेटरली पिछले हिस्से में आई में हमें जो है येलोइ पिगमेंटेड स्पॉट दिखाई पड़ता है इसको मैकुला लुटिया बोलते हैं और इसके बीच वाले हिस्से को हम कहते कहते हैं हैं फोबिया देखिए ध्यान से क्या देख रहे हैं आप आपको यह ऑप्टिक नर्व दिखाई पड़ रही है और ऑप्टिक नर्व और रेटिनल जहां जुड़ रही है हिस्सा दिस दिस पोर्षन, दिस पोर्शन पोर्शन इज ब्लाइंड हिस्सा क्या ये है पोर्शन ब्लाइंड स्पॉट ये दिस पोर्शन इज ब्लाइंड स्पॉट यह क्या है बेटा यह ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है ठीक है क्लियर देखिए ध्यान से आपको दिखाई पड़ रहा है बेटा ये ये है ब्राइंड स्पॉट दिखाई देगा हमको और यह हम देख रहे हैं फोबिया ये, ये 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 हमको मैकुला पूरा एरिया है मैकुला और बीचों बीच में हमको एक जो है डिप्रेशन दिखाई पड़ेगा हिस्सा दिखाई पड़ेगा यहां पे ये है फोबिया ठीक है ये फोबिया हम देख रहे हैं ये मैकुला और फोबिया हमको दिखाई दे रहे हैं ठीक है ठीक है

देखिए तो कुल मिलाकर हो क्या रहा है बेटा कि हमारी जो आईज हैं जो हमारी आईज हैं वो लाइट को रिसीव कर रही हैं और उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसे, इलेक, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके उसको जो है वो ब्रेन तक जो है वो भेज रही है और ब्रेन में जहां पर आई जो है वो देख देखने का विजुअल सेंटर है वहां पर इंफॉर्मेशन कहा समझ पा रहे हैं क्लियर ठीक है देखिए आप हमारी आईज ने लाइट को रिसीव किया लाइट जो है वो अंदर तक गया फिर जो है वो फोटो पिगमेंट ने रॉड ने क्रिया किया उससे इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट किया और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है फाइनली कहां पहुंचा वो ऑप्टिक नर्व से ब्रेन तक वो पहुंच जाता है क्लियर देखिए ना अब इंटरेस्टिंग बात यह कि ऑप्टिक क्या ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड जो इंफॉर्मेशन आप जो इन मेरी बात जो इन्फॉर्मेशन आप जो है वो अपनी लेफ्ट आई इस आई से ने लेफ्ट आई मान लिया मैंने ये लेफ्ट है और ये राइट है ठीक है मेरे अकॉर्डिंग मैंने कहा लेफ्ट और राइट के ये मेरा राइट right हैंड है ये मेरा लेफ्ट हैंड के तो मैंने क्या कहा जो इन्फॉर्मेशन हमारी लेफ्ट आई ने रिसीव की है वो इंफॉर्मेशन जो है ब्रेन के दाहिने हिस्से में पहुंचती है क्रॉस करके दाहिने पहुंचती है और जो इंफॉर्मेशन हमारी राइट आई right ने रिसीव की है वो क्रॉस करके वो जो है वो ब्रेन के लेफ्ट हिस्से में पहुंचती है मतलब क्रॉस पॉइंट ये एक पॉइंट है यहां पर इंफॉर्मेशन क्रॉस हो रही है राइट right की इन्फॉर्मेशन लेफ्ट को जा रही है लेफ्ट की इंफॉर्मेशन राइट right को जा रही है राइट आई इंफॉर्मेशन ब्रेन के लेफ्ट हिस्से को भेज रही है और लेफ्ट आई इंफॉर्मेशन राइट हिस्से को भेज रही है और इसका फायदा को देख पाते हैं ने? दोनों जो की उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके जो है आगे किया और फ्लो किया जाता है तो हम जो भी हम देख रहे हैं उसको हम एक साथ थ्री डायमेंशन व्यू में उसको हम देख पाते हैं देखिए आप देख रहे हैं आप ये हम ऑप्टिक डिस्क देख रहे हैं यहां पे ऑप्टिक नर्व है ये और ये क्याजमा है और देखिए पे क्रॉसिंग हो गया कि आप देख रहे हैं लेफ्ट लेफ्ट का right side, right का राइट राइट साइड साइड वो चला गया है ठीक है क्लियर ये आप ध्यान द अदर फैक्ट इज दैट आवर लेफ्ट आई इज कनेक्टेड टू द राइट साइड ऑफ आवर ब्रेन हमारा लेफ्ट आई हमारे ब्रेन के राइट right हिस्से से जुड़ी होती है सिमिलरली आवर राइट आई इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन बट बोथ आई कैन मर्ज द इमेज परंतु दोनों जो आई होती है वो अपनी इमेज जो भी वो देख रही है उसको एक साथ मर्ज करती है को कहां पर ऑप्टिक क्याजमा में वेरी वेरी आई एम पी इसलिए जो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है वो प्रोसेस होने के बाद पहुंचती है तो ब्रेन एक इमेज को जो है वो ठीक से देख पाता है बट both eyes can merge the images and then send to the brain by using the optic chiasma this membrane merges two eye information into a single information and send, and then it send to the brain ke to so, optic chiasma dono aankhon ki information ko merge karta hai aur ek single information ko jo brain tak bhejta hai theek hai अब फोबिया क्या चीज था बेटा हमने बात किया था फोबिया क्या था बेटा मैकुलर डेंसा में एक बीच का एरिया था पिट था उसे फोबिया कहा था द फोबिया इज थिंड आउट पोर्शन ऑफ द रेटिना

रिजोल्यूशन का मतलब क्या है रिजोल्यूशन का मतलब है कि दो पॉइंट जो पास पास में रखे हैं उनको आप सेपरेटली आप अलग अलग समझ पा रहे हैं देख पा रहे हैं वो रिजोल्यूशन के द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस के जो कॉर्निया और लेंस के बीच का जगह होता है उसे हम एक्वस चें बोलते हैं और यहां पर एक्वस ह्यूमर भरा होता है यहां पर यह लिक्विड है, उसे हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं तो जो लेंस जो लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है उसे एक्वस ह्यूमर बोलते हैं क्योंकि इस चैम्बर को हम एक्वस चैम्बर कहते हैं और जो स्पेस जो है लेंस और रेटिना लेंस और रेटिना के बीच जो स्पेस होता है उसे हम विट्रस चैम्बर कहते हैं और वहां पर जो जेली लाइक वहां पर जेली सामान जो मेटेरियल भरा होता है उसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं ठीक है याद रखिएगा हमारी आंख में जो एक्वस चैम्बर है वो लेंस और कॉर्निया के बीच में उसमें लिक्विड भरा होता है थिन थीन वॉटरी फ्लुड एक्वस ह्यूमर कहते हैं और लेंस और रेटिना के बीच में एक जेलीर समान जेलिडेर होता है और इसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं और चैंबर को हम विट्रस चैंबर कहते हैं ध्यान से देखिए बेटा देखिए ना आप देख रहे हैं इमेज में आपको कॉर्निया दिखाई पड़ रहा है आपको लेंस दिखाई पड़ रहा है और कॉर्निया लेंस के बीच में ये एंटीरियर मेंियर चें हैस चैंबर इसमें अंदर एक्वस ह्यूमर भरा हुआ है ठीक है फिर ये आप देख रहे हो ये लेंस है बेटा और ये क्या है ये रेटिना है आप देख रेटिना है इसके बीच में जो चैंबर है उसे हमने विट्रस चेंबर कहा उसके अंदर विट्रस ह्यूमर भरा होता है ठीक है देखिए आप ना? एंटर सेगमेंट एंटर चैम्बर एक्वस है उसमें एक्वस ह्यूमर भरा होता है और चेंबर जो पिछला हिस्सा जो है बेटा पोस्टर सेगमेंट है वो विट्रस ह्यूमर है और उसमें विट्रस उसमें विट्रस ह्यूमर भरा होता है क्लियर देखिए आप ना और ये देख रहे हैं मैकुला वाला हिस्सा देख रहे हैं ये ऑप्टिक डिस्क ब्लाइंड स्पॉट का हिस्सा देख रहे हैं इसमें हम ठीक है ये क्या है बेटा ये हो गया आपका विट्रस ह्यूमर ये आपका विट्रस ह्यूमर हो गया आपका ये और ये सामने क्या बेटा ये आपका हो गया ये एंटीरियर चैंबर हो गया एक्वस एक, 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 ह्यूमर हो गया है क्लियर देख रहे हैं आप आई की एनाटॉमी को बड़े ध्यान से देखिएगा टी एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस पर क्लियर चलिए अब इंफॉर्मेशन कैसे बना देखिए आप जो आप देख रहे हैं यहां पे ये जो आप देखा एक ऑब्जेक्ट है और वाला पढ़ाएंगे ना, तो आपको लेंस का बताएंगे, कैसे, इमेज फॉर्मेशन वो बताएंगे आपको अभी इतना पता है हमें लाइट रेडिएशन फाइनली फोकस कहा कर रही है वो वो पर फोकस कर रही है रेटिना को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वहां पर और उसको ही जो है उस इमेज को लाइट को सेंस कर पा रहा है ठीक है क्लियर देखिए वो कह रहा है जो ऑब्जेक्ट है उसको उससे उससे लाइट उस ऑब्जेक्ट से लाइट को रिफ्लेक्ट करके कहां भेजा गया लेंस के थ्रू लाइट जो है वो आई के अंदर इंटर किया और वहां पर जो है रेटिना पे आप देख रहे हो कि उसका इमेज बन रहा है और उस इमेज को थ्रू नर्व ब्रेन तक हम भेज रहे हैं ठीक है

लाइट रेज इन विज्युअल वेबलेंथ फोकस्ड ऑन द रेटिना ठीक है विजिबल वेवलेंथ का मतलब होता है बेटा 400 नैनोमीटर से लेकर जो है वो 700 नैनोमीटर यदि एंगस्टॉम में बोलोगे तो 4000 थाउजेंड से लेकर 7000 थाउजेंड एंगस्टॉम जो है विजुअल स्पेक्ट्रम होता है ठीक है ठीक है इसकी लाइट रे को रेटिना रिसीव जो है रेटिना पर इसको फोकस किया जाता है कॉर्निया एंड के और इससे क्या होता है ये जो लाइट होती है जब लाइट का वहां फोकस करते हो तो लाइट क्या करती है, है, है. कर है. दरअसल बेटा क्या होता है कि लाइट की जब रॉड्स और कॉन्स में लाइट आती है तो वो लाइट क्या काम करती है लाइट इनके प्रोटीन कंपोजिशन को चेंज करती है जैसे इनका प्रोटीन कंपोजिशन चेंज होता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है ठीक है समझते हैं कैसे द फोटो सेसिटिव्ह कंपउंड

जैसे ही लाइट पड़ती है

बोलेंगे कि इसके अंदर नर्व इंपल्स जनरेट हो जाता है ठीक है देखिए ध्यान से देख रहे हैं आप

मॉलिक्यूल है, रेटिनल है और जैसे ही इस पर लाइट आएगी तो जो है ऑप्सिन और रेटिनल अलग अलग हो जाएंगे और ऑप्शन जो है वो मेम्ब्रेन की प्रबिलिटी को चेंज कर देगा देखिए फ्लो चार्ट समझते हैं इसमें लाइट एब्जॉर्शन बाय द फोटो पिगमेंट

कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़ना हमें इतना समझना है कि रोडोप्सिन से रोडोप्सिन में जो है आपके जो उप, जो ऑप्स है ऑप्सिन और रिटिनल साथ जुड़े हुए थे जैसे लाइट आया ऑप्सिन और रिटिनल अलग अलग हुए उससे मेम्ब्रेन की फॉर्मिलिटी में चेंज आया सोडियम आयन का मूवमेंट हुआ वोल्टेज गेट ओपन हो गए और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया इतना याद रखना हमें ठीक है, है? देखिए

जो है वो ऑप्टिक नर्व तक पहुंच जाता है देखिए आप ठीक है और ऑप्टिक नर्व जो है वो इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेकर जाता है क्लियर दिस प्रोड्यूसेज ए सिग्नल दैट जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन द गैंगलियन सेल्स थ्रू दाइपुलर सेल दिस एक्शन पोटेंशियल Are by the optic nerve to the वाले पर जो इमेज बना होता है उसे हम अपनी के आधार पर अपने एक्सप्रिय के आधार पर, पर पहचान पाते हैं जो आप देखते हैं कि वो क्या चीज है क्या आप देख रहे हैं उसको आप पहचान पाते हैं थ्रू ब्रेन ब्रेन आपके पास एक बड़ा ब्रेन के अंदर एक बड़ा डेटा होता है बड़ी इंफॉर्मेशन भरी होती है तो कुछ भी आप देखकर उसको आप समझ आपने एक बार लाइफ में बिच्छू को देख लिया है तो अगली बार देखोग बिच्छू है ब्रेन बोलेगा जैसे बिच्छू है तके? क्योंकि आपके पास एक ब्रेन के पास एक इंफॉर्मेशन है लेकिन कोई ऐसा इंसेक्ट जिसको लाइफ में आपने पहले कभी नहीं देखा हो आप देख के सोचोगे क्या है किस तरह का इंसेट यह सोचोगे आप ठीक है क्लियर देखिए आप ना तो हम देख रहे हैं आई का डायग्राम फिर से हमारे सामने आ गया बेटा और हमें इसकी लेवलिंग याद रखनी है और ये ऑलरेडी एम्स के अंदर बेटा कंप्यूटर बेस्टेस होता है उसमें आ चुका है ऑलरेडी ये और नीट में भी आने की इसकी संभावना नीट में एक बार ये ऑलरेडी पूछा गया है ठीक है चलिए तो आज आपने क्या देखा आज आपने देखा कि हमारी आई जो होती है हमारी जो आंखें होती हैं हमारी जो आईज होती है वो किस प्रकार से जो है वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है हमने आई किस प्रकार से इंफॉर्मेशन को सेंस करती है उसको हमने देखा यहां पे ठीक है

हमारी जो है वो किस प्रकार से हम देख पाते हैं किस प्रकार से हम जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाते हैं सेंस ऑर्गन क्या होते हैं रॉड्स और कॉन्स क्या होते हैं कैसे जो है वो जो है आ, हमारी आई का स्ट्रक्चर इस्ट्रेक किस तरह का होता है और कैसे इन्फॉर्मेशन हमारी आई जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है उसकी बात की हमने ठीक है ना क्लियर तो पढ़ते रहिए लगातार मेहनत करते रहिए और प्लीज डीपीपी लगाना मत भूलिए और परफॉर्मेंस इनहांसमेंट से जरूर पढ़ना बेटा आपको आप क्यों, क्यों, क्यों क्या हो रहा है जब आप आप पुराने एमसीक्यू लगा रहे हो तो उन्हें लगाने में दिक्कत हो रही है मुझे मालूम है मुझे सब मालूम है लेकिन उनके चक्कर में हमको बहुत सिलेबस को से एकदम बाहर जाना पड़ेगा तो वो हम नहीं करेंगे सर के क्योंकि हम हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मतलब है इस मेहनत को ज्यादा करने इसकी तुलना तो में हम कहीं और सेक्रीफाइस तो नहीं कर रहे कहीं ठीक है इसलिए प्लीज फोकस जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस कीजिए और भरोसा रखिए बेटा ठीक है थ्री सिक्सटी ऑफ ऑफ थ्री सिक्सटी आपके आएंगे पढ़ते रहिए मेहनत करती है ऑल द बेस्ट to become an official commando of Biomentors. Join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers. An online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download by a Mentors Online app from Google Play Store